अस्सलाम वालेकुम खवातीन व हज़रात, मैं जब भी मुल्क से बाहर जाता हूँ तो मैं वहाँ नाश्ता नहीं कर पाता। उसके दो रीज़न हैं। पहली बात तो ये कि मेरी रूटीन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। दूसरी बात यह है कि बाहर का नाश्ता मुझे ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगता। मुझे अपनी हलवा पूरी की बड़ी याद आती है, लेकिन टर्की इस हवाले से काफ़ी एक्सेप्शनल है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि नाश्ता बादशाह की तरह करो, दोपहर का खाना शहजादे की तरह करो, और रात का खाना फ़कीर की तरह करो। और इस कहावत को ये टर्किश लोग पूरी तरह फॉलो करते हैं। लिटरली इनका नाश्ता कम किसी 5-स्टार रेस्टोरेंट का बुफे ज़्यादा लगता है। हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है। ऑप्शन इतने सारे होते हैं कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, और टेस्ट आपकी सोच है। जस्ट लुक एट माई पोर्शन। ट्रेडिशनल टर्किश ब्रेकफास्ट में आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी, जैसे कि ब्रेड बास्केट, पेस्ट्रीज, चीज प्लेटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्प्रेड्स, ड्राई फ्रूट्स, सॉसेजेस, पेपरोनी ऑमलेट, गोज़लेमे, सुजुक, मेनेमिन और कैमक विद हनी। यार ये वाला तो बहुत ही आला होता है। ये तो कुछ भी नहीं है, इनके पास ब्रेकफास्ट की बहुत बड़ी रेंज है। टर्की आके आपको डिनर या लंच की ज़्यादा फिक्र नहीं होगी, ब्रेकफास्ट की बेइंतहा फिक्र होगी। दोबारा मुलाकात होगी किसी नई बात के साथ। फी अमान अल्लाह।